आज की वीडियो है गेहूं के आटे और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ बना हुआ क्रिसमस केक। ये केक कढ़ाई में बना है, वो भी बिना अल्कोहल, बिना अंडे के। इस केक को खा के कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये गेहूं के आटे से बना हुआ केक है। तो इस क्रिसमस आप इस डिलीशियस और हेल्दी से गेहूं के आटे के केक को ट्राई करिए और एंजॉय करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडीसी रेसिपीज। क्रिसमस केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को सोक करेंगे। तो उसके लिए मैंने आधा कप लिया है प्लम, ये ड्राई प्लम है, छोटे पीसेस में कट कर लिया है मैंने इसको। और हाफ कप लिए हैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने काजू, बादाम और अखरोट को छोटे पीसेस में कट किया है। आधा कप लिया है गोल्डन रेजिन्स, यानी कि ये जो रेगुलर किशमिश हम घर पे यूज़ करते हैं ना, वो हैं ये। आधा कप लिए हैं मैंने ब्लैक रेजिन्स, काली वाली किशमिश, इससे भी बहुत अच्छा कलर आता है केक पे। और आधा कप लिए हैं मैंने रेड वाली टूटी फूटी, आप चाहें तो ग्रीन या येलो कलर की भी ले सकते हैं मिक्स करके। आधा कप मैंने लिए हैं मेलन सीड्स, इसको मैंने हल्का सा तवा में ना सूखा ही भून लिया है। भूनने से क्या है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 200 ml मैंने लिए हैं फ्रेश ऑरेंज जूस, ये मैंने घर पे ही ऑरेंज जूस निकाला है ऑरेंजेस से। आप चाहें तो जो पैक वाला आता है ना वो यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो इसकी जगह ग्रेप जूस भी आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो कलर आता है ना केक का, वो और अच्छा डार्क सा हो जाता है। और सारी चीज़ों को अच्छे से हमें जूस में मिक्स करना है। एक बड़ा चम्मच इसमें मैं डाल दे रही हूँ ब्राउन शुगर ऊपर से, अगेन वही कलर के लिए। और लिट लगाकर इसको 5-6 घंटे के लिए रख देंगे अलग से सोख होने के लिए। बहुत ज़रूरी स्टेप है ये सोख करने का। और 6 घंटे बाद मैंने जैसे इसका लिट हटाया तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स है ना सोख हो गए हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं इसे ये जूस को एब्जॉर्ब करके। देखिए फूल भी चुके हैं। तो बैटर बनाते हैं अब हम केक का। उसके लिए मिक्सिंग बोल में डाल रही हूँ मैं आधा कप ऑयल, आप चाहें तो इसकी जगह घी या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 3/4 कप ब्राउन शुगर, इससे क्या है फिर वही कलर जो है ना केक का डार्क सा अच्छा सा आता है, जैसे मार्केट में आता है ना बिल्कुल वैसे ही। आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें जिंजर पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, ये स्मॉल कार्डमम पाउडर है, और 1 पिंच नमक। तो ये स्पाइसेस बहुत ही ज़रूरी हैं इस केक में, क्योंकि क्रिसमस केक में ना ये स्पाइसेस ज़रूर पड़ते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स करके 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है पानी, आप चाहें तो इसकी जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिल्क यूज़ नहीं किया है क्योंकि कलर जो है ना केक का थोड़ा डार्क रहता है इससे। तो अब हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। जैसा कि मैंने कहा आज मैं गेहूं के आटे का केक बना रही हूँ, यानी होल व्हीट फ्लावर केक बना रही हूँ मैं। तो मैं मैदा ना यूज़ करके मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है 2.5 कप, जो हम रेगुलर घर में रोटी और पराठा बनाते हैं ना, तो बस ये वही वाला गेहूं का आटा है। 1 चम्मच डाल दिया है बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा या फिर आप इसे खाना सोडा भी कह सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। छानना का स्टेप भी ज़रूरी है, इससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो अब इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मैंने अपने चैनल में गेहूं के आटे का स्पॉन्ज केक भी शेयर किया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी नीचे। 1/2 कप मैंने इसको मिक्स करने के बाद डाल दिया है इसमें मिल्क या फिर आप वाटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छे से इसे करेंगे हम मिक्स। देखिए ये हो गया है मिक्स। तो इस पर मैं अब डाल रही हूँ जो हमने ड्राई फ्रूट सो करके रखे थे ना, वो सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इस पर भी थोड़ा सा लिक्विड होता है जूस जो हमने डाला है, तो उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी या थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनेगा मिक्स नहीं होगा तो। नहीं तो इससे हो जाए तो बिल्कुल ना डालें, मैंने नहीं डाला था क्योंकि मेरा इसी से हो गया था। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इस केक पे एक ही बहुत अच्छी खूबी होती है कि इसमें मिक्स पे आपको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है, बस सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर लें हो जाता है। 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ केंड चेरीज, तो ये बहुत सॉफ्ट होती है इसलिए मैं इसको लास्ट में अभी डाल रही हूँ, सोक नहीं किया था मैंने। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंजेस, ये मैंने घर पे ही ऑरेंज को ग्रेटर पे ग्रेट कर लें आप, तो जो उसके छिलके से ये निकलता है ना उसको हम डालते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऑरेंज को छिलके को घिस के डाल देंगे तो बस ये ऑरेंजेस हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने फ्रेश डाली हैं इस पर। और मैंने लिया है ये 7 इंच का केक टिन, इसको मैंने देखिए लाइन कर लिया था,
बटर पेपर से और अब मैं इसमें लगा दे रही हूँ बटर। साइड पे भी इसको लाइन करना बटर पेपर से ज़रूरी है क्योंकि ये केक जो है ना बहुत टाइम लेता है पकने में, तो साइड से जलना नहीं चाहिए, तो लाइन आप पूरा इसी तरीके से करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी टिप है। तो जो बैटर हमने तैयार किया था वो बैटर इसमें डालकर दो तीन बार इसको टैप टैप कर लें और बस केकिंग हमारा रेडी है बेक करने के लिए। तो आज मैं केक को बेक कर रही हूँ कढ़ाई में। तो मैंने जो ऑलरेडी कढ़ाई ना प्रीहीट होने के लिए रख दी थी 15 मिनट के लिए लो हीट में मैंने इसको प्रीहीट किया है। नमक डाला था 2 कप और एक स्टैंड इस तरीके से डाल दें। स्टैंड में उल्टा डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये मेरा जो है ना ऊँचा बन रहा है, तो इसीलिए मैंने स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर एक प्लेट केक टिन इसके ऊपर से रख कर अब इसे लिड लगा लेंगे। तो मैंने लिड लगाया था तो आप देख सकते हैं पेपर ना इस तरीके से मुड़ गया था, मतलब ये ऊंचा हो रहा है, तो मैं इस पेपर को जो साइड पे एक्स्ट्रा है ना उसे काट दे रही हूँ। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर परफेक्टली सही बाप से रखेंगे तो इसे काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस लिड लगा देंगे और लिड लगाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए पहले मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद जो है ना लो फ्लेम पे 55 मिनट के लिए इसको बेक कर लें। यह बहुत टाइम लेता है बेक होने में, लेकिन फ्लेम के साइज़ के और उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं 50 मिनट पे। और देखिए स्क्यूअर डाल के मैंने आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल नीट आई है, तो परफेक्ट हमारा केक बेक हुआ है कलर से भी। तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने, एक कपड़े से ढक दिया है ताकि ऊपर का पोर्शन अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। तो बस मैंने कपड़ा हटा लिया था जब केक ठंडा हो गया है और अब मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। तो वाओ, आप देख सकते हैं केक कितना अच्छा बेक हुआ है, कलर भी, राइस भी, सब कुछ इसका बहुत ही परफेक्ट है। हमारा परफेक्ट क्रिसमस केक बनके रेडी है, इसको ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत ही आपको पसंद आएगा। जैसे ये कटा ना तो सब खाने के लिए टूट पड़े थे, तो मैं इसको जो है सूट करना भूल गई, तो मैं बाद में आपको ये पीस दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें इस क्रिसमस। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।